नमस्कार, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुन लो, अगर न संभले तुम बम ए फट जाएगा। डिजिटल उत्सव सामाजिक जागरूकता का हुआ समापन, अंतिम दिन भी जन जागरूकता मुद्दों पर हुआ लाइव परफॉर्मेंस। पारिवारिक एकता, प्रवासी मजदूरों का दर्द, स्पोर्ट को बढ़ावा, से नो टू प्लास्टिक, एडल्ट एजुकेशन आदि मुद्दों पर हुई प्रस्तुतियाँ। जी हाँ, अंजलि फिल्म प्रोडक्शन एवं CTCS फैमिली द्वारा चलाया जा रहे डिजिटल उत्सव सामाजिक जागरूकता का रविवार को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर प्रस्तुतियों के द्वारा समापन हुआ। 5 दिवसीय इस लाइव सेशन डिजिटल उत्सव में यूपी, बिहार, हैदराबाद एवं गुजरात सहित लखनऊ के कई कलाकारों ने सामाजिक जागरूकता के 30 से अधिक थीम पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी। रविवार को डिजिटल उत्सव के आखिरी दिन भी सामाजिक प्रस्तुतियों को करने के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। अंजलि फिल्म प्रोडक्शन के फेसबुक पेज पर चल रहे डिजिटल उत्सव को जनता का अपार सहयोग एवं प्यार प्राप्त हुआ। लाइव सेशन के आखिरी दिन आम जनमानस द्वारा प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने का उद्देश्य लिए यथार्थ सिंह कार्की ने अगर सुन लो न संभले तुम बम यह फट जाएगा, किस तरह की नादानियां कर रहे हैं हम, अपनी ही धरती पर जहर भर रहे हैं हम, पर नृत्य एवं एक्ट के माध्यम से प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ अपनी प्रस्तुति दी। इसी के साथ यथार्थ ने देशभक्ति गीत पर भी नृत्य प्रस्तुत किया। भूमिका गुप्ता ने एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को अपनी थीम में प्रस्तुत किया, जिसके तहत भूमिका ने शिक्षा का सूरज है निकला हो रहा है अब उजाला एवं यह हौसला कैसे झुके, यह आरजू कैसे रुके पर गायन प्रस्तुत किया एवं एडल्ट एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है विषय पर स्पीच भी दर्शकों के समक्ष रखी। लक्ष्य सहगल ने सोशल मीडिया के कारण परिवार में बढ़ रही दूरी के विषय में कॉमेडी एक्ट, स्पीच एक्ट एवं कविता गायन के द्वारा दर्शकों से सोशल मीडिया का लिमिटेड उपयोग करने का आह्वान किया। बाल कलाकार रुद्र पांडे ने स्पोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेस्टर्न गानों के माध्यम से दर्शकों से आह्वान किया कि बच्चों को खेलों की तरफ भी आकर्षित करें, इससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। परी सहगल ने प्रवासी मजदूरों के दर्द को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिनमें शीर्षक अपने घर जाने को है मजबूर, हम सब हैं प्रवासी मजदूर एवं वक्त ही तो है गुजर जाएगा, सुबह का नया सूरज फिर आएगा कविता प्रस्तुत की। शहर की उभरती बाल गायिका बानी चावला ने परिवार की एकजुटता को अपना उद्देश्य बनाकर एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। प्यारे दादाजी हैं सबसे अनमोल, पापा को पाया तो रब को पाया, तू कितनी अच्छी है तू कितनी प्यारी है, ये तो सच है कि भगवान है, आदि विभिन्न प्रकार के गीतों के माध्यम से दर्शकों से परिवार में एकता बनाकर रहने का आह्वान किया। प्रज्ञा शर्मा ने सेल्फ डिफेंस सीखने पर जोर देने के साथ ही लाइव सेशन के दौरान ताइक्वांडो के कुछ सामान्य स्टेप बताए। इप्सिता अरोरा ने डॉक्टर, पुलिस, सैनिक एवं किसानों को समर्पित गीत, नृत्य एवं पर्यावरण जागरूकता पर एक्ट एवं नृत्य किया। गुजरात से शिवांगी यन चौहान ने समाज में फैली बेटियों के प्रति घिनौनी मानसिकता एवं कानून व्यवस्था पर अपनी प्रस्तुतियां देकर बदलाव लाने का आह्वान किया। कनक पाल ने समाज में शिक्षक का महत्व पर कविताएं और नृत्य प्रस्तुति, टीचर को हमारा प्यार किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आलोक अग्रवाल, मनोज कुमार, अंजलि पांडे, ब्रिजेंद्र बहादुर मौर्य, आनंद चौधरी, निधि श्रीवास्तव, अजय जायसवाल, ग्राफिक डिजाइनर संदीप उपाध्याय एवं अर्चना पाल का विशेष सहयोग रहा। आइए देखते हैं लखनऊ से इंडिया पावर न्यूज की एक रिपोर्ट। अर्चना पाल, अंजलि फिल्म प्रोडक्शन व CTCS परिवार द्वारा आयोजित कराए जा रहे डिजिटल उत्सव सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के कार्यक्रम प्रभारी के रूप में आप सभी को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन था, जो समापन के दिन भी प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न सामाजिक मुद्दों व जागरूक विषयों पर आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई गई। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी था कि हम शुरू से एक उद्देश्य लेके चल रहे थे कि हम हमारे कार्यक्रम में जो भी प्रतिभागी प्रस्तुतियाँ दें वो विभिन्न सामाजिक विषयों पर ही आधारित हों, जिससे कि हम समाज में एक मैसेज भेज सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, उन विषयों पर उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। हमें नहीं पता है कि हम इस
उद्देश्य में किस हद तक सफल हुए हैं, पर हमारी पूरी कोशिश रही है और हमें बहुत खुशी है ये जानकर के कि जितने भी प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है उन सभी ने बहुत ही इस उद्देश्य को बहुत ही तहे दिल से स्वीकारा और उसी के अनुसार अपनी प्रस्तुतियाँ पेश की। आज कार्यक्रम के समापन के दिन कुल 10 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभागिता की गई, जिसमें कुल कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित प्रस्तुतियां, जैसे कि प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर आधारित प्रस्तुतियां, और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, भारतीय खेलों को बढ़ावा, समाज में शिक्षक का महत्व, परिवार का महत्व, और भारतीय कानून व्यवस्था पर आधारित प्रस्तुतियाँ इत्यादि अनेक प्रस्तुतियों के अलावा एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने पर आधारित भी प्रस्तुतियां पेश की गई। मैं आपसे सभी से निवेदन करती हूं कि आप सभी अंजलि फिल्म प्रोडक्शन के फेसबुक पेज पर जाकर के विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा कराई गई दी गई प्रस्तुतियों को जाकर के देख सकते हैं लाइव। लाइव क्या, लाइव तो हो चुका, मतलब विभिन्न प्रस्तुतियों को आप जाकर के बच्चों की देख कर कि उनका मनोबल बढ़ाएँ। और हमारी पूरी टीम अंजलि फिल्म प्रोडक्शन व CTCS की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।